हेलो स्टूडेंट्स, समसामयिक निबंध जो है हर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आज का हमारा समसामयिक निबंध है भारतीय लोकतंत्र या प्रजातंत्र, और इसके दो तीन तरीके से इसी टॉपिक पे अलग अलग निबंध पूछ लिए जाते हैं, जिनमें अन्य नाम होते हैं भारतीय लोकतंत्र या लोकतंत्र कैसा है भारत में, भारतीय लोकतंत्र और 21वीं शताब्दी। तो शुरू करते हैं आज का समसामयिक निबंध। आप देखेंगे मैंने सभी चित्र दिए हैं उससे रिलेटेड, आप वो भी देख सकते हैं। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें प्रजा का शासन पाया जाता है। प्रजा यानी उस देश में रहने वाले व्यक्ति। अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था, जनतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है। इसी के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य सभी लोगों का यथासंभव अधिक से अधिक कल्याण करना है। इस शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार और शासन तंत्र को चलाते हैं। भारत के लिए यह बड़े गर्व का विषय है कि यहाँ इतनी बड़ी प्रजातंत्र पद्धति का बोलबाला है। हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद इस देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान माना था और सभी व्यक्तियों को मत डालने का अधिकार दिया गया। देश में जितनी भी रियासतें थीं उनको भंग कर दिया गया और उनके स्थान पर लोगों का तंत्र यानी लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। उसी के अनुसार चुनाव की पद्धति से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और यही प्रतिनिधि देश को चलाते हैं। यही जनता का शासन कहा जाता है। जनता का शासन, इसके कई नाम होते हैं जैसे प्रजातंत्र, लोकतंत्र आदि। भारत में लोकतंत्र में अत्यंत शक्ति पाई जाती है क्योंकि यह एक बड़ा लोकतंत्र है। जब जब प्रजा चाहती है तो शासन में उलटफेर होते हैं। 1947 से 1977 तक भारत पर कांग्रेस का लगातार शासन रहा और इसी शासन को बनाए रखने में लोक आकांक्षा का बड़ा योगदान था। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले नेताओं ने कांग्रेस को सरकार में बनाए रखा। लोगों ने भी यही चाहा, परंतु जब इंदिरा सरकार ने देश के कानून को रौंदने की कोशिश की, अपने स्वार्थ के कारण देश पर आपात स्थिति लागू की, तो लोगों पर मनमाने अत्याचार किए गए। इससे जनता नाराज हो गई और सरकार को उलटकर रख दिया गया। 1977 में लोकप्रिय जनता सरकार बनी, परंतु उस सरकार में स्थिति पहले जैसी ही थी। कुछ जनता नेता अपना व्यवहार एक समान नहीं रखते थे और उनके आपसी झगड़े इतने बढ़ गए थे कि उन्हें 2 वर्ष में ही शासन से बाहर कर दिया गया और कांग्रेस वापस शासन में आ गई। भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का एक अन्य परिणाम की बात करें तो यह 1989 के चुनाव में देखने को मिला। परंतु 1 वर्ष में ही नई मोर्चा सरकार ने भी लोगों का मुंह तोड़ दिया। इसके बाद नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर होने लगी और काफ़ी मतभेद सामने आने लगे। फिर से मोर्चा सरकार आई और लड़ते झगड़ते 18 महीने का शासन करके पुनः खत्म हो गई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चुनी गई, लेकिन फिर से एक परिवर्तन आया और कांग्रेस सत्ता में आई। अब लोगों को समझ में आ गया था कि लोकतंत्र चलाने के लिए 2 दल ही उचित हैं। इसलिए जनता ने गुजरात के सफल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना। आज उन्हीं के नेतृत्व में
हमारा देश सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत चल रहा है। अगर हम भारतीय प्रजातंत्र की कमियों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी कमी है अपराधीकरण, गुंडे, बदमाश, बदचलन, भ्रष्टाचारी लोग राजनीति में छाते जा रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी स्थितियां बनती चली जा रही हैं। योग्य और ईमानदार नेताओं की हैसियत बिल्कुल भी खत्म हो गई है। चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट से भ्रष्ट हथकंडे नेता अपनाना पसंद करते हैं। मंत्रियों को खरीदना, धन का लोभ देना, मतदाताओं को प्रभावित करना, हत्याएं करवाना, जातिवाद और भी अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार, इन सब के रहते हुए भारत का प्रजातंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा भारत के इतने बड़े प्रजातंत्र में अशिक्षा, गरीबी और असमानता पूरी तरह से व्याप्त है। लोगों का निरक्षर होने के साथ साथ अपने राजनीतिक अधिकारियों के प्रति भी जागरूक नहीं होना, यह भी एक बड़ी कमी है। और यही कारण है कि जो वोट के लोभी नेता होते हैं वह अपना पूरा लाभ उठाते हैं। स्वतंत्र भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें वोट और चुनाव की भनक भी नहीं होती है, और सामाजिक असमानता के कारण उच्च जातियां और अवर्ण जातियों से वोट जो है वो उन पर दबाव बना करके वोट लेने का प्रयास करते हैं। बात करें हम कविता की, इससे संबंधित एक कविता है जो भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। वह कहते हैं, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज़ बाकी है, हो चुकी है वानियत की इंतहा, आदमियत का अगर आगाज बाकी है। जब अत्याचार बढ़ जाता है तो वह अपनी मुक्ति के उपाय स्वयं खोज लेता है, और अपराधीकरण जो आजकल राजनीति में बढ़ रहा है उसके कारण लोग स्वयं ही जब नेता चुनते हैं तो अपराधी तत्वों को एक तरफ उठा करके रख देते हैं। अब राष्ट्रीय दलों ने भी ऐसे प्रतिनिधियों को अलग करना शुरू कर दिया है, जो एक सही कदम हमारे देश के लिए कहा जा सकता है। और अगर इस स्थिति को देखें तो हमें एक आशा की उज्ज्वल किरण दिखाई देगी। 21वीं सदी का हमारा सुनहरा प्रजातंत्र एक शुभ संकेत है, और इसी के अंतर्गत आजकल की स्पष्ट पत्रकारिता का जो उदय हुआ है वह भी हमारा एक सशक्त आधार बन सकती है। आशाजनक स्थितियां बन रही हैं। अनपढ़ लोगों को साक्षर करने के लिए भिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में भी काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। न्यायपालिका भी अभी कमर कसकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी तैयारी कर चुकी है। और इसमें शुभ संकेत की बात करें तो कुछ प्रतिशत मतदाताओं में जागरूकता भी देखने को मिलती है। जागरूक मतदाताओं को ना तो कोई विदेशी दबा सकता है, ना स्वदेशी परिस्थितियाँ उसे डरा करके वोट ले सकती हैं। इस प्रकार से हम देखें तो 21वीं शताब्दी में भारत का लोगों का शासन या जनता का शासन, इसका भविष्य हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है।